Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss on the topic of NEP 2020 on vocational education. We have already discussed NEP 2020 on various issues like on inclusive education, on teacher education, on technical education, on higher education, and we have covered NEP 2020 at a glance too. But this time my emphasis is on vocational education. Okay, so let's start. Vocational education. देखिए NEP 2020 का पूरा document 65-66 पेज का है, लेकिन चौथा साल लग गया और अभी तक हम NEP 2020 को implement नहीं कर पाए और अभी तक उस पर conferences हो रहे हैं, seminar हो रहे हैं, books लिखी जा रही हैं, edited books निकल रही हैं. ऐसा क्या है उन 65-66 पेजों में, पृष्ठों में, जिसको कि हम नहीं उसको अपना पा रहे हैं? इसलिए कि वो इतना उसने यू कैन से कि रेडिकल चेंजेस की बात की, पूरा सिस्टम बदलने की बात की, और सिस्टम हमारा इतना बड़ा है, इतनी संख्या में लोग मतलब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं कि उसको बदलना, मतलब जब तक सब लोगों का यही ध्येय लक्ष्य ना हो जाए कि हाँ हम इसको बदलना चाहते हैं, आप इसको बदलना, बहुत 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 मुश्किल है. फिर भी हम जानते हैं कि जानना चाहिए कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा को देख रही है. देखिए इसके पीछे एक पृष्ठभूमि ये बनेगी कि व्यावसायिक शिक्षा हमारे देश में उसकी स्थिति बहुत खराब है, पहली बात. दूसरी बात, व्यावसायिक शिक्षा को अभी तक नॉर्मल शिक्षा के, जनरल शिक्षा के, साधारण शिक्षा के समकक्ष नहीं माना जाता है, उससे कमतर मानते हैं. ये माना जाता है कि जिसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कमतर है, आप स्किल्ड फोर्स लेबर में चले जाइए, आप इस तरीके के काम करने लगिए. तो ये मिथ भी मिटाना है तो, और उसको बढ़ाना भी है आगे, क्योंकि स्किल और नॉलेज दो ही चीजें हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में, नॉलेज सोसाइटी में हमको काम दे सकती हैं, हमें आगे ले जा सकती हैं. तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा पे कहा कि पहली बात तो कि व्यावसायिक शिक्षा पर सबकी पहुंच हो, मतलब एटलीस्ट जो चाहता है उसको हासिल करना उसको मिल सके, इक्विटी हो, जिसको जैसी जरूरत हो हम उसको वैसी शिक्षा दे पाए, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो, मीन्स कि वो उसमें व्यावसायिक शिक्षा में इतनी क्षमता हो कि वो अनुकूलन हो सके, मतलब वो रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो. कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री के संग पार्टनरशिप सबसे ज्यादा जरूरी है. आप स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और कम्युनिटी और इंडस्ट्री को ऐसा लेबर चाहिए, तो आपको इनसे पार्टनरशिप करनी होगी ताकि आपका जो प्रोडक्ट निकले, आपका मतलब आपके इंस्टीट्यूशन का, हायर एजुकेशन से, वोकेशनल एजुकेशन से, उसको जॉब मिल सके. फिर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्या तरीका, क्या पैटर्न अपनाया जाएगा, वैसा तरीका तो नहीं हो सकता जैसा आप ट्रेडिशनल या थियोरेटिकल एग्जामिनेशन का लेते हैं. फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल टीचर्स, वो टीचर्स जो वोकेशनल एजुकेशन में हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने किस वक्त पढ़ाई की है, क्या पढ़ा रहे हैं, वो अब रेलेवेंट है कि नहीं है, उनको प्रोफेशनली टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हायर वोकेशनल एजुकेशन की पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप डायरेक्ट आप वर्कफोर्स में, वर्क प्लेस पे जाते हैं. ओपन वोकेशनल एजुकेशन, जब हर चीज़ डिजिटल हो रही है, NIOS की बात होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि जब आप स्कूलिंग ओपन मोड में दे सकते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन भी ओपन मोड में दी जा सकती है. और स्ट्रेंथनिंग ऑफ PSSCIVE एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो कहा गया कि इसको भी आप स्ट्रेंथन कर दीजिए, इसका सुदृढ़ीकरण कर दीजिए, ताकि बेहतर हम व्यावसायिक शिक्षा देश में दे पाए. ये तो इसके पॉइंट्स हैं मोटे मोटे. फिर और क्या बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा पे की है, वो कह रही है लोक विद्या. देखिए आप लोग थोड़ा भी अगर एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत ज्यादा बात हो रही है. IKS ये थ्रस्ट एरिया NEP 2020 का है, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि हमारा जो भारतीय ज्ञान निकाय, भारतीय ज्ञान तंत्र, जो इतना विशद था, इतना विस्तृत था, इतना रिच था, वो जो विस्मृत हो गया है, जिसके बारे में बात नहीं की गई है, जिसको छुपा के रखा गया है डेलिबरेटली या नॉन डेलिबरेटली, उसको बाहर लाना है, उसको सब तक पहुंचाना है, ताकि जो हमारा खोया हुआ गौरव है उसको हम पा सकें, ऐसा विजन है इसका. नॉलेज ऑफ इंडिया, लोक विद्या मीन्स नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेसेस एंड चैलेंजेस एंड अ क्लियर सेंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर एस्पिरेशंस अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट एटसेट्रा. ये कह रहे हैं कि जो
जो प्राचीन भारत का ज्ञान है उसको बाहर लाना है, उसका उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को स्वीकार करना है, उसको उसको उजागर करना है, उसको सब तक पहुंचाना है. लोक विद्या विल बी एन इम्पॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया विच विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स थ्रू सॉरी थ्रू इंटीग्रेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज. ये कह रहे हैं कि लोक विद्या जो कि एक हमारी बहुत पुरानी बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा जो भारत में विकसित हुई थी उसको हमको स्टूडेंट्स तक एक्सेसिबल मतलब उन तक स्टूडेंट्स तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करनी है. और एग्जिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो भी आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे दीक्षा है स्वयं प्रभा है विल ऑल्सो बी लिवरेज्ड फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल लैब सो दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू क्वालिटी प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. स्वयं का बहुत बार बताया गया आपको, स्वयं प्रभा आपको पता होना चाहिए, ये सारे फुल फॉर्म ये सब एब्रीविएशन है. वो कह रहे हैं कि ये जितने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं भारत में देश में इस वक्त उनको भी हमको लिवरेज करना है, उसको बढ़ाना है, उसको और अच्छा करना है, उच्च करना है, जिससे कि हम वर्चुअल लैब क्रिएट कर पाए. वर्चुअल लैब मतलब कि लैब एक्चुअली आभासी, मतलब आप घर बैठे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एकदम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल सके, ताकि सभी विद्यार्थियों को क्वालिटी प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस तक उनकी पहुंच हो सके. भाई जो रिमोट एरिया के स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पे नहीं है लैब्स की व्यवस्था, तो वो वर्चुअल लैब में सीख सकते हैं, इस तरीके की बात की गई है. फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा है, व्यावसायिक शिक्षा को हम कैसे सुदृढ़ीकरण करेंगे, कैसे इसको मेन स्ट्रीमिंग करेंगे, मुख्य धारा में शामिल करेंगे. वो कह रहे हैं नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स एटसेट्रा इन ऑर्डर टू इलिमिनेट हार्मफुल हायरार्कीज अमंग एंड सिलोज बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग. वो कह रहे हैं कि ये जो देश में ये जो चल रहा है, क्या चल रहा है कि ये आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, ये साइंस के हैं, तो क्या और एक हायरार्की, सिर्फ ये नहीं कि आर्ट्स है साइंस, साइंस के बच्चे आर्ट्स के बच्चों से अपने आप को श्रेष्ठतर समझते हैं, यही हाल उनके उनके शिक्षकों का भी है. फिर करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाई दोनों ही चीजें मिलके ही आपकी पर्सनालिटी बना रही है ना, तो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी करिकुलर में ही अच्छे हों. फिर बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, दोनों में ही आपका कौशल लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, विद्वता लगती है. ऐसा नहीं है कि किसी के पास बिल्कुल आईक्यू लेवल नहीं है, वो बहुत ही मतलब कम उसका आईक्यू है तो वो वोकेशनल बहुत अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसमें भी जरूरत है. तो ये जो हायरार्की, हार्मफुल हायरार्कीज, सिर्फ हायरार्की नहीं है, मतलब आपने सिर्फ इनके पायदान नहीं बनाए बल्कि ये नुकसानदेह हैं, तो ये कह रहा है कि आप इसको इलिमिनेट कर दीजिए. मतलब आर्ट्स का स्ट्रीम हो या साइंस स्ट्रीम हो, करिकुलर हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, वोकेशनल हो या एकेडमिक हो, सब एक बराबर हैं, सभी क्या हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान इनसे प्राप्त किया जा सकता है. ठीक. फिर कह रहे हैं ए कंसर्टेड नेशनल एफर्ट विल बी मेड टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस एंड अफोर्ड opportunity to all children of the country to obtain quality holistic education including vocational education from preschool to grade 12. वो कह रहे हैं preschool से लेके grade 12 तक आप vocational education include कर दीजिए और national effort चलाइए समेकित रूप से, जिससे कि सभी बच्चों को quality holistic education तक उनकी पहुंच हो. फिर कह रहे हैं कि the secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary study building on the subject-oriented pedagogical and curricular style of the middle stage but with greater depth, attention to life aspirations, flexibility and student choice of subjects. एक लाइन है पर इसमें कितनी बातें कही गई हैं. पहली बात, सेकेंडरी स्टेज को 4 साल का बना दिया गया. सेकेंडरी स्टेज 4 साल की नहीं थी हमारे देश में, हम लोग 10+2+3 फॉलो करते थे, यानी कि 10+2, ये जो +2 स्टेज थी वो सेकेंडरी स्टेज थी. अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो 10+2 तक का हिस्सा था उसको 5+3+3+4 कर दिया है, यानी कि जो आखिरी है 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 एक समेकित हो गए एक साथ. तो पहली बात तो कि आप पूरा सेकेंडरी स्टेज को एक साथ लेके चलिए, एक ब्लॉक लेके चलिए, ये नहीं कि 9th, 10th बिल्कुल डिटैच है 11th, 12th से, पहली बात. दूसरी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी, हमेशा से बचपन से हम मल्टी डिसिप्लिनरी कर सकते हैं. कैसे, कोई भी एक टॉपिक को आप कई तरीके से मतलब हर विषय से जोड़कर पढ़ा सकते हैं ना. हमने क्या किया, विषयों के बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिया है कि हिंदी का इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश का साइंस से कोई मतलब नहीं है, साइंस का हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है. बट ऐसा नहीं है, ये कैसे ऐसा हो गया, इसके पीछे पता नहीं क्या इन्वॉल्व रहा कि हम लोग इस तरह से हो गए, बट ये ऐसा नहीं है. क्या कहते हैं, फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, सभी विज्ञानों की माँ अगर दर्शन है, उनकी जननी दर्शन है, तो सभी विषय आपस में एक दूसरे से कुछ तो मिलते हैं ना, और हमने एकदम अलग कर दिया उसको.
तो मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब कि कोई भी एक विषय, कोई भी एक टॉपिक को आप हर विषय से जोड़कर बढ़ा सकते हैं। उसी टॉपिक से आप उसको इतिहास बता सकते हैं, विज्ञान बता सकते हैं, गणित के सवाल बता सकते हैं, आप उससे साहित्य, संस्कृति, लिटरेचर सब बताया जा सकता है। कोई भी एक टॉपिक उठा के देखिए, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो डिटैच, मतलब बहुत हाईटेक टॉपिक की बात नहीं हो रही है, सेकेंडरी स्टेज के टॉपिक्स की बात हो रही है। तो कह रहे हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागॉजिकल और करिकुलर स्टाइल हमको ग्रेटर डेप्थ के साथ पढ़ाना है, अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशंस उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, फ्लेक्सिबल होना है हमको, और स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, स्टूडेंट सेंटर्ड होके चलना है कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे उसको पढ़ाइए या पढ़ने दीजिए। इसके पीछे क्या फिलोसफी है कि जब वो अपनी रुचि का विषय पढ़ेगा तो उसमें अच्छा करेगा। इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वुड कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग After grade 10 and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other courses available in grades 11 to 12, including at a more specialized school if so desired. वो कह रहे हैं कि यदि विद्यार्थी चाहता है तो 10th के बाद वो बाहर जाए, कोई प्रैक्टिकल कोर्स, कोई वोकेशनल कोर्स करके वापस आके 11th 12th की पढ़ाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का कंसेप्ट हमको NEP 2020 प्रोवाइड कर रहा है ना। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। फिर वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी। हमें बच्चों को, विद्यार्थियों को और फ्लेक्सिबल होना है, उनको और चॉइसेस देनी है कि ठीक है आप अपनी रुचि, आप ये पढ़िए ये पढ़िए, इतने सारे ऑप्शंस उनको दें ताकि वो एकदम बेस्ट सूटेबल ऑप्शन अपने लिए चुन पाएं, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स, सो दैट दे कैन डिजाइन देयर ओन पाथ्स ऑफ स्टडी एंड लाइफ प्लान, जिससे वो अपना एकदम यूनिक अपना रास्ता चुन सकें अपनी पढ़ाई लिखाई का। फिर क्या किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इनटू मेनस्ट्रीम एजुकेशन इन ए फेज्ड मैनर, यानी हम एक बना लें फेज्ड मैनर का मतलब कि अगले 2 साल में हम इतना कर लेंगे, वोकेशनल एजुकेशन को इतना जोड़ लेंगे, अगले 5 सालों में और जोड़ लेंगे, अगले 10 सालों में और जोड़ लेंगे। इसीलिए जो भी इस तरीके की पॉलिसी बनती है वो मान के चलती ना, अगले 10 सालों में हम इतना अचीव कर पाएंगे, अगले 20 सालों में इतना अचीव कर पाएंगे, क्योंकि रातों रात कोई चीज नहीं हो सकती है ना। तो कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को आप जोड़ लीजिए, मुख्य धारा से जोड़ लीजिए, एक फेज्ड मैनर में जोड़ लीजिए, इंक्लूडिंग बिगिनिंग विद वोकेशनल एक्सपोजर एट अर्ली एजेस इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, यानी कि मिडिल और सेकेंडरी स्कूल से ही बच्चों को आप वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर देना शुरू कर दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया फेज्ड मैनर, ओवर द नेक्स्ट डिकेड यानी कुछ आने वाले दशकों में हम जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, फोकस एरियाज फॉर वोकेशनल एजुकेशन विल बी चोजन बेस्ड ऑन स्किल्स गैप एनालिसिस एंड मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज। और किस हिसाब से आप वोकेशनल एजुकेशन देंगे बच्चों को, स्किल्स गैप एनालिसिस, आप ये गैप स्किल में जो गैप है यानी कि जो स्किल हमको चाहिए अपने ग्रेजुएट्स में और जो स्किल वो नहीं रखते हैं, जो लैक करते हैं, उसके बीच का जो अंतर है उसका विश्लेषण कीजिए, और जो लोकल अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस एरिया का स्टूडेंट है, जो लोकल वहाँ की नीड है, जो लोकल वहाँ का ट्रेड हो सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटी की मैपिंग कीजिए और तब आप उसको वोकेशनल एजुकेशन उसको प्रोवाइड कीजिए। और ये क्या कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखिए MHRD नाम था, फिर इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, और आप पीछे जाएंगे तो पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था और फिर ये किसी एक पॉलिसी ने इसका नाम MHRD कर दिया था, तो ये नाम का खेल है, बदल रहा है बार बार। विल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसका नाम कर दिया गया है अब एक राष्ट्रीय कमेटी बना ले जिसका की काम क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि हम व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बना ली जाए, कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इन वोकेशनल एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस मिनिस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री टू ओवरसी दिस एफर्ट। और इसमें कौन कौन रहेगा, आप इसमें वोकेशनल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स रख लीजिए, आप मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव रख लीजिए और इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेशन करिए देखने के लिए कि क्या चल रहा है, सब हिसाब किताब बढ़िया है कि नहीं। फिर कह रहे हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस दैट आर अर्ली एडॉप्टर्स मस्ट इनोवेट टू फाइंड मॉडल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वर्क एंड देन शेयर दीस विद अदर इंस्टीट्यूशंस थ्रू मैकेनिज्म सेटअप बाय NCIVE सो एज टू हेल्प एक्सटेंड द रीच ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं यानी जिन्होंने पहले अपना लिया, पहले चुन लिया है, कुछ इनोवेटिव तरीके से वो वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको मेन स्ट्रीमिंग में ला रहे हैं, तो उसको आप अपनी प्रैक्टिस को दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी वो हेल्प पहुंच सके। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप्स विल ऑल्सो बी एक्सपेरिमेंटेड बाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंक्यूबेशन सेंटर्स विल बी सेटअप
इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज। वो कह रहे हैं आप वोकेशनल एजुकेशन के कई मॉडल चला सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे एक्सपेरिमेंट करें, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप से, ताकि वहां पे भी इनोवेशन और वोकेशन के कुछ काम हो सकें। और क्या बात कही गई, द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NSQF विल बी डिटेल्ड फर्दर फॉर ईच डिसिप्लिन वोकेशन एंड प्रोफेशन। वो कह रहे हैं कि NSQF बना लीजिए। अब NSQF क्या है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर कौशलों के विशिष्टीकरण का, कि कितने, ये 1 से लेकर 10 तक होता है, उसमें आपको पता होगा कि लेवल 1 का लर्निंग आउटकम ये है, लेवल 2 का ये है, इस तरह से लेवल 1 जो है वो सिंपलेस्ट है, लेवल 10 जो है वो कॉम्प्लेक्स है सबसे ज्यादा, और आप हर स्किल के लिए एक फ्रेमवर्क बना लें तो उससे पता चल जाएगा कि जो जो स्टूडेंट है वो किस लेवल का है, और उसको उसी हिसाब से पढ़ाइए लिखाइए और उसी हिसाब से उसको उसका सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी, और फिर अगले स्किल में अगर वो अगले फ्रेमवर्क में जाना चाहे तो उसका एडमिशन कीजिए। और इन फ्रेमवर्क, ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो, वो इन कॉन्सोनेंस मतलब अलाइंड हो किसके साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, ताकि आप मतलब यहाँ से का पढ़ा हुआ बच्चा कोई वोकेशनल कोर्स करके गया है तो उसको बाहर जाके फिर से कोई नया एग्जाम ना देना पड़े, बल्कि उसको एट पास समझा जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। यही कह रहा है कि फर्दर इंडियन स्टैंडर्ड्स विल बी अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आप उनसे मेल खाता हुआ अपना क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना लीजिए हर डिसिप्लिन वोकेशन और प्रोफेशन के लिए। दिस फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। देखिए इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये RPL, क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि लगभग मतलब बहुत लोगों को कुछ ना कुछ वोकेशन आता है, लेकिन वो उन्होंने किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से नहीं लिया है, इसलिए उनके पास उसकी कोई डिग्री भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है दिखाने के लिए कि उन्होंने ये फला कोर्स किया है। तो जो उनकी प्रायर लर्निंग है, जो उन्होंने इनफॉर्मल तरीके से सीखी है, जो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे सीखी है, जो उन्होंने अपने परिवार से सीखी है, उसको रिकॉग्नाइज करके ये बता दिया जाए कि वो किस फ्रेमवर्क में आएगा, और आप उसको भी ऐड कर लीजिए, उसको सर्टिफाई कर दीजिए, और उसको नया नेक्स्ट या उच्च फ्रेमवर्क में वो जाना चाहता है तो उसको एंट्री दीजिए, ये कहा जा रहा है। Through this, dropouts from the formal system will be reintegrated by aligning their practical experience with the relevant level of the framework. यही कह रहा है ना कि इस तरह से क्या होगा कि जो formal system के dropouts हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़कर छोड़ दिया है और कोई उसका certificate नहीं है उनके पास, उनको भी आप reintegrate कर सकते हैं, उनके practical experience को align कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो किस framework के समकक्ष हैं। The credit-based framework will also facilitate mobility across general and vocational education. और अगर हमारा framework credit-based होगा तो हम vocational और general education के बीच में students mobile हो सकेंगे, यानी vocational पढ़ के general में चले जाएं, general पढ़ के vocational में आ जाएं। कैसे? क्योंकि हमको पता है हमने 8 credit का course किया है, तो आपको उस हिसाब से हम credit-based framework, मतलब 8 credit कहने का मतलब है, for example, है ना? हमको पता हो कि हमने भी 8 credit का किया, आपने भी किया है, जनरल वोकेशनल सब सब बाउंड्री हट गई है, कोई सेपरेशन है नहीं, तो हम आपस में मोबाइल हो सकते हैं। नहीं तो पहले होता था वोकेशनल एजुकेशन वाला जनरल में कैसे आएगा, जनरल वाला वोकेशनल में कैसे जाएगा, बड़ा हमने सब नियम कानून सख्त कर रखे थे ना, आई थिंक बस लास्ट है। फिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, यानी कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स विद लिमिटेड वोकेशनल एक्सपोजर। यानी आजकल चल रहा है कि हम वोकेशनल एजुकेशन को 9 क्लास से आगे पढ़ाते हैं, मतलब 9th के आगे क्लास से पढ़ाते हैं, और बहुत थोड़ा सा वोकेशनल एक्सपोजर देते हैं, और हम करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की थोड़ी बहुत बात करते हैं, कम्युनिटी और इंडस्ट्री से भी लिंकेज थोड़ा सा ही है, बच्चों के पास भी लिमिटेड चॉइस होती है सब्जेक्ट्स की, और हमने कोई फ्रेमवर्क आउटकम बेस्ड असेसमेंट या इवेल्यूएशन के लिए नहीं बनाया। देखिए आउटकम बेस्ड असेसमेंट, आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मेरा मैं आपसे बहुत दिनों से शेयर करना चाह रही हूँ, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे जरूर बात करूंगी आउटकम बेस्ड एजुकेशन की, क्या है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, बहुत पुराना एक वीडियो है मेरा, मैंने खुद उसको सुधारा है थोड़ा सा, उसमें और उसको अपडेट किया है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह आ रहा है लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम, तो क्या है लर्निंग आउटकम, है ना? तो ये भी पहले नहीं था, अब क्या है, की चेंजेस रिक्वायर्ड, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, हम क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, अब हम कक्षा 6 से ही पढ़ाएंगे, फॉर प्रोवाइडिंग वोकेशनल एक्सपोजर टू ऑल स्टूडेंट्स, और सभी बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर दीजिए, वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 6 फॉर करियर एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंड वर्क बेस्ड लर्निंग, क्लास 6 से ही आप उनको करियर एजुकेशन और कम्युनिटी और वर्क बेस्ड लर्निंग की ट्रेनिंग दीजिए,
करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो कीजिए, पर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के साथ कीजिए। कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स फॉर वोकेशनल एक्सपोजर थ्रू एन इनफॉर्मल इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी कि आप कम्युनिटी और इंडस्ट्री के संग पार्टनरशिप कीजिए, उनको कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए ताकि वो बेहतर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें। स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स, और विद्यार्थियों को आप और फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए ताकि वो विषय चुन सकें, वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ कोई भी विषय चुन सकें। और फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस फॉर लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट एंड इवेलुएशन यानी कि लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट और इवेलुएशन के लिए आप गाइडलाइन और फ्रेमवर्क बना लीजिए। ठीक है, तो कंक्लूड कैसे करें इस विषय को कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ड्यू इम्पोर्टेंस दी है वोकेशनल एजुकेशन को। वो कह रहा है कि टीचर्स का कैपेसिटी डेवलपमेंट आप कीजिए, उनकी क्षमता का विकास कीजिए जिससे कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड वोकेशनल स्किल ऑफ द लर्नर्स एट ऑल लेवल्स बढ़ सके, यानी कि हर स्तर पर जो सीखने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो व्यावसायिक कौशल है और जो रोजगार कौशल है उनको बढ़ावा दिया जा सके। Quality of Vocational Education and Training, जिसको VET नाम दिया गया है, is to be enhanced by identifying, designing and development of vocational courses that meet the common norms and skills standards identified at the national level. यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो skill standards set किए गए हैं, आप उसके हिसाब से VET को strengthen कीजिए जिससे कि आप vocational courses को develop कर सकें, उनको चुन सकें, पहचान सकें और उसका नमूना बना सकें, design कर सकें। Best practices in vocational education and training with focus on specific criteria which can be replicated in different institutions in the relevant areas need to be identified and shared at various levels to promote effectiveness in pedagogical and other aspects of implementation of VET. यानी कि जो vocational education and training का concept है उसके pedagogical और aspects को आप improve कीजिए, promote कीजिए, आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उस पे फोकस कीजिए और कुल मिलाकर क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर लीजिए, क्योंकि बिना वोकेशनल एजुकेशन के सुदृढ़ीकरण से, व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से भारत का विकास संभव नहीं है। ओके, तो ये रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यावसायिक शिक्षा पे क्या किया, ये रह गया था। अभी आपसे बात और भी करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतने पॉइंट्स हैं कि जितना भी डिस्कस करते जाओ लगता है कि अभी ये रह गया, अभी ये रह गया। फिलहाल व्यावसायिक शिक्षा मैंने कवर कर ली है, आई थिंक ये आपके लिए लाभप्रद होगी। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।